हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ड्यूरोपीडिया हिंदी पर। आज हम बात करने वाले हैं नेपाल के दूसरे सबसे बड़े शहर की, जो झीलों, तालाबों, पहाड़ों, प्राकृतिक सुंदरता और अपने पर्यटन स्थलों के लिए फेमस है। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाने, हम बात कर रहे हैं पोखरा शहर की। और आज हम जानेंगे यहाँ के कुछ अजीब नियम, कुछ चौंका देने वाली परंपराओं और खास बातों के बारे में। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं पोखरा की शानदार सफर पर। दोस्तों, दक्षिण एशिया का सबसे प्राचीन देश है नेपाल, जो अपने सुंदर नजारे, प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक महत्व और लगभग 5980 फूलों के पौधों की प्रजातियों के लिए पहचाना जाता है। हर तरफ खूबसूरती से सजे इसी देश का हिस्सा है पोखरा, जो काठमांडू के नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। ये गंडकी अंचल के कास्की जिले की पोखरा घाटी में स्थित है और पहाड़ों, झीलों, मंदिरों सहित बाजारों के लिए दुनिया भर में फेमस है। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं और किसी ऊंची जगह पर जाकर प्रकृति को महसूस करना चाहते हैं, तो पोखरा आपके लिए बिल्कुल सही है। पोखरा शहर 464.2 वर्ग किलोमीटर के एरिया के साथ नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसे सबसे खास भी माना गया है। वहीं यहाँ की कुल आबादी करीब 4,76,000 है। और खास बात यह है कि पॉपुलेशन के लिहाज से भी पोखरा नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। नेपाल का ये खूबसूरत सा शहर यूं तो कई धर्मों और जनजातियों का घर है, पर यहाँ की मुख्य जातियाँ बहुन, गुरुंग, क्षेत्री, मगर और नेवार है। इस शहर में आपको ज्यादातर लोग नेपाली भाषा का उपयोग करते ही नजर आएंगे, लेकिन यहाँ हिंदी सहित कई दूसरी भाषाएं भी बोली जाती है। वैसे बता दें कि नेपाली भाषा में हिंदी की तरह देवनागरी लिपि का ही प्रयोग किया गया है। क्या आप जानते हैं कि पोखरा शब्द का मतलब क्या है? चलिए हम बताते हैं। पोखरा को नेपाली शब्द में देखेंगे तो ये पोखरी नजर आएगा, जिसका मतलब होता है तालाब, यानी आप इसे तालाबों का शहर कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ कई तालाब है। जब भी भारत और चीन के बीच में किसी पुराने व्यापारिक मार्ग की बात होती है तो नाम पोखरा ही आता है, क्योंकि ये उसी मार्ग पर स्थित है। बात इसके इतिहास की करें तो 17वीं शताब्दी में पोखरा शहर कास्की साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था और नेपाल के 24 साम्राज्यों, जिन्हें शाह राजवंशों द्वारा स्थापित किया गया, उनका हिस्सा था। इसके बाद 1786 में पोखरा पृथ्वी नारायण शाह के अंडर में चला गया और काठमांडू से जुमला और भारत से तिब्बत के रास्तों पर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया। यहाँ बसी पहली बस्ती का श्रेय कास्की के पहले राजा कुलमंदन शाह खाद को जाता है। बाद में कास्की वंश के अंतिम राजा ने नेवार के 16 परिवारों को लाए और देखते ही देखते शहर में विकास हुआ और आज ये खूबसूरत सा शहर के रूप में हमारे सामने है। वैसे दोस्तों, आज भी पोखरा के आसपास की पहाड़ियों में इस शहर से जुड़े इतिहास की महक महसूस की जा सकती है। दोस्तों, आज के समय में पोखरा नेपाल का खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट होने के साथ साथ शिक्षा का केंद्र भी है। शहर का लिटरेसी रेट लगभग 84.18% का है और यहाँ लगभग पूरे नेपाल से बड़े अच्छी एजुकेशन के लिए आते हैं। शहर में पोखरा यूनिवर्सिटी, मणिपाल मेडिकल कॉलेज, जनप्रिय मल्टीपल कैंपस, गंडकी बोर्डिंग स्कूल जैसे तमाम शिक्षण संस्थान है, जो अपनी फैसिलिटीज और बेहतरीन एजुकेशन के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा पोखरा शहर की मेडिकल फैसिलिटीज भी कमाल है। यहाँ मणिपाल मेडिकल कॉलेज के साथ साथ अस्पताल भी है। सिर्फ यही नहीं, पोखरा में 50 से भी ज्यादा हेल्थ इंस्टीट्यूट हैं। पोखरा शहर की ज्यादातर आबादी आपको कृषि सेक्टर से जुड़ी हुई नजर आएंगी, जबकि यहाँ स्कूल, अस्पताल, बिजली, उद्योग और सर्विस सेक्टर भी एक्टिव है और शहर के लोगों को रोजगार देने के साथ साथ देश की जीडीपी में भी योगदान देते हैं। वहीं पर्यटन सेक्टर की बात करें तो इसे जीडीपी के मामले में आप पोखरा ही नहीं पूरे नेपाल की बैकबोन मान सकते हैं। पोखरा के लोग दोस्तों बड़े ही शांत, हेल्पफुल और लविंग नेचर के होते हैं। ये अगर एक बार किसी के साथ दोस्ती कर ले तो उसे जिंदगी भर निभाने की हिम्मत रखते हैं और अपने धर्म, संस्कृति, परंपराओं को लेकर भी ये बड़े भावुक होते हैं। इन्हें भगवान में हद से ज्यादा विश्वास होता है और शगुन अपशगुन को ये कुछ ज्यादा ही मानते हैं। वैसे नेपाल की लड़कियां बेहद ही खूबसूरत होती है और यहां भी सबसे ज्यादा सुंदर लड़कियां काठमांडू के बाद पोखरा शहर की होती है। इनके काले काले बाल, गोरी गोरी स्किन और नशीली आंखें किसी को भी दीवाना बना दे। ये वो जमाना है जब दुनिया भर में शादी से पहले ही लड़का लड़की एक दूसरे से मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं और तो और लिविंग में रहकर एक दूसरे को समझ भी लेते हैं कि क्या वो उनके लिए सही है, क्या वो दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताएंगे। लेकिन पोखरा में परंपराओं को इतना माना जाता है कि यहाँ आज भी 90% दूल्हा दुल्हन को शादी से पहले एक दूसरे को मिलने तो दूर, देखने तक की परमिशन नहीं होती। दोस्तों, वैसे तो खाने पीने का शौक दुनिया भर के सभी लोगों का होता है, लेकिन खाने पीने के मामले में पंक्चुअलिटी किसे कहते हैं, ये हमें पोखरा से सीखने की जरूरत है। यहाँ मेनली दो बार खाना खाया जाता है, जिसमें सुबह का भोजन करीब 7 से 8 बजे और रात का भोजन भी करीब 7 से 8 बजे, और खाने में दाल भात इनके फेवरेट है। लेकिन हाँ, ये लोग स्नैक्स के बहुत बड़े दीवाने हैं। पोखरा में एक बात जो याद रखनी चाहिए वो ये कि इस देश में उल्टे हाथ से खाना खाना असभ्य लोगों की पहचान है, इसीलिए यहाँ उल्टे हाथ से कभी किसी के सामने खाना ना खाएं, वरना लोग आपको तुच्छ नजरों से देखेंगे। खैर दोस्तों, पोखरा नेपाल का ही हिस्सा है, इसीलिए कई अजीब मान्यताएं जो नेपाल में फॉलो होती है वो पोखरा का भी हिस्सा है। जैसे यहाँ खुद के पैर छूना अपमानजनक माना जाता है और सिर को पोखरा वासी बहुत पवित्र मानते हैं। इतना कि सिर को छूना ये
सभ्यता की पहचान मानते हैं और ऐसा करने वाले को कभी माफ नहीं करते। पोखरा में किसी भी अतिथि का स्वागत करने के लिए भारत की तरह ही सबसे पहले लोग दोनों हाथ जोड़कर उन्हें विश करते हैं और फिर चाइनीज और जैपनीज लोगों की तरह सिर झुकाकर उनका स्वागत करते हैं और वेलकम में यहाँ भी गेस्ट्स को नमस्ते कहते हैं। नमस्ते शब्द के अर्थ की बात करें तो इसका मतलब होता है मैं आप में उपस्थित ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन पोखरा सहित पूरे नेपाल में कई बार लोगों ने यति मानव यानी उस सफेद से दानव को देखे जाने का दावा किया है। कई लोग तो यहाँ तक दावा करते हैं कि उनके पास यति के होने के सबूत भी हैं। दोस्तों पोखरा शहर में मनाए जाने वाले फेस्टिवल्स की बात करें तो जैसे हमारे यहाँ होली सेलिब्रेट होती है वैसे ही यहाँ फागुन पूर्णिमा का सेलिब्रेशन होता है। ये बिल्कुल होली की तरह ही मनाया जाता है। यहाँ हिंदुओं की संख्या भी अच्छी खासी है इसीलिए महाशिवरात्रि का त्यौहार पोखरा में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिलती है और शहर को दुल्हन की तरह जगमगा दिया जाता है। वैसे बता दे कि पोखरा के त्योहारों में नेपाल की राष्ट्रीय पोशाक डोरा सुरुवाल का ज्यादातर लोग उपयोग करते हैं। नेपाल में अगर शांति की तलाश में है तो पोखरा शहर बेस्ट लोकेशन है क्योंकि यहाँ कई ऐसी जगह मौजूद है जहाँ शांति से बैठकर खुद के साथ बातें की जा सकती है और प्रकृति को महसूस करते हुए एक प्यारी सी झपकी भी लगाई जा सकती है। पोखरा को नेपाल की पर्यटन राजधानी माना जाता है और नेपाल की 8 सबसे ऊंची चोटियों में से माचा पुचारे और अन्नपूर्णा जैसी चोटियाँ पोखरा में ही मौजूद है। चलिए दोस्तों अब हम आपको पोखरा के कुछ शानदार टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बता देते हैं जहां आप भी अपनी छुट्टियां बिता सकते हैं। पोखरा में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगह अगर कोई है तो वो है फेवा झील जो अपनी रंग बिरंगी बोट से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। प्राकृतिक सुंदरता क्या होती है ये फेवा झील पर जाके ही अनुभव किया जा सकता है। बीच में पानी, चारों तरफ हरियाली, आसपास ऊंची ऊंची चोटियां और पानी के बीचों बीच नाव की सवारी, मजा आ जाए। और तो और लेक के द्वीप पर ताल बराही मंदिर। पोखरा की सैर किसी धार्मिक स्थल के साथ करनी है तो ताल बराही मंदिर सबसे सही जगह है। माँ दुर्गा को समर्पित ये एक झील मंदिर है जो कास्की जिले में पड़ता है। इस मंदिर को विजिट करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये हिंदू नेपाली संस्कृति का बेजोड़ नमूना है जिसे 14वीं शताब्दी में बनाया गया था। ये चारों तरफ से झीलों से घिरा हुआ है जिस वजह से मंदिर की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। झीलों के इस शहर की तीसरी सबसे बड़ी झील है रूपा ताल झील जो पोखरा घाटी के दक्षिण पूर्व में स्थित है और ताजे पानी के लिए पहचानी जाती है। दुनिया की भागदौड़ से दूर इस झील के पास आने वाला हर शख्स यहाँ आकर खुद को बेहद हल्का महसूस करता है। इस झील को लोग अक्सर शांत झील भी कहते हैं क्योंकि यहाँ गजब की शांति फील होती है। बौद्ध पैगोडा शैली का स्मारक पोखरा शांति स्तूप पोखरा की अनाडू पहाड़ी पर मौजूद है जिसे पर्यटन का आकर्षण केंद्र माना जाता है। दोस्तों शॉपिंग लवर्स को अगर इतिहास की भी एक नजर देखने को मिल जाए तो मजा आ जाएगा। ऐसा ही कुछ मिला जुला संगम पेश करता है पोखरा का पुराना बाजार जो अपनी रहस्यमय गलियों के लिए और शानदार नई पुरानी चीजों के लिए हर वक्त पर्यटकों की विजिट लिस्ट में बना है। यहाँ आप फल, सब्जियाँ, कपड़े, मेकअप, हैंडीक्राफ्ट्स और घर में सजाने वाली कई चीजें खरीद सकते हैं। गोरखा आर्मी का पोरखा और नेपाल के लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है ये तो आप सभी जानते ही होंगे और उन्हें की याद और शहादत में बना है गोरखा मेमोरियल म्यूजियम जो आज भी उनको ट्रिब्यूट देता है। इस म्यूजियम में आपको गोरखा सैनिकों से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज देखने को मिल जाएगी। आपको बता दें कि गोरखा सैनिक बाद में भारत की सेना में शामिल हुए और अगर आप गोरखा सैनिकों को करीब से समझना चाहते हैं तो आपको गोरखा मेमोरियल म्यूजियम जरूर विजिट करना चाहिए जिसकी टिकट सिर्फ 100 से 200 रुपए है। अगर आप कैमरा लेकर जाते हैं तो अलग से 20 रुपए पे करने होंगे। इसके अलावा आप शहर में गुप्तेश्वर महादेव गुफा, विंध्यवासिनी मंदिर, सेठी गंडकी नदी और डेविस फॉल जैसे शानदार नजारे पर्यटन स्थल देख सकते हैं। यकीन मानिए पोखरा शहर की एक बार यात्रा करने के बाद आप बार बार इस शहर में जाना चाहेंगे। अब आपको हम शहर में पहुंचने तक का रास्ता बता देते हैं। पोखरा में बेशक एयरपोर्ट है जिसे पोखरा एयरपोर्ट कहा जाता है लेकिन यहाँ के लिए आपको पहले काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचना होगा क्योंकि पोखरा के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। काठमांडू से 40 मिनट में आप फ्लाइट के जरिए पोखरा पहुंच सकते हैं या फिर 6 से 7 घंटे तक का रास्ता तय करके बस, टैक्सी या किसी दूसरे व्हीकल से भी पोखरा आ सकते हैं लेकिन टाइम बचाना है तो फ्लाइट ही बेस्ट ऑप्शन है। बाकी आप ट्रेन का ख्याल दिल में लिए बैठे हैं तो आपको बता दें कि यहाँ रेलवे नेटवर्क नहीं है। बाकी बस की सवारी आपको गोरखपुर वाराणसी से काठमांडू के लिए मिल जाएगी जहां से पोखरा पहुंचने के तमाम साधन है। पोखरा विजिट करने का सबसे अच्छा समय दोस्तों सितंबर से नवंबर के बीच है। इसके अलावा मई की शुरुआत में भी यहां जाया जा सकता है वरना दिसंबर जनवरी में तो यहां इतनी सर्दी होती है कि आप घूमना तो दूर रजाई से बाहर निकलना भी भूल जाएंगे। उम्मीद है पोखरा से जुड़ी ये बातें और शहर आपको पसंद आया होगा इसीलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप कभी गए हैं पोखरा या फिर नेपाल तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।